कारी हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। विषय था मोदी जी के आने के बाद सरकार के काम करने के तरीके में किस तरह का बदलाव आया है। भारतीय सीआईएसएफ में उच्च पद पे नौकरी में रही हैं और लखनऊ, दिल्ली, जोधपुर और जम्मू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इंचार्ज रह चुकी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अटल जी का जमाना भी देखा और मनमोहन सिंह का भी। अब देख रही हैं मोदी जी को। उस जमाने में जब अटल जी लखनऊ के सांसद थे तो पीएम होते हुए जब लखनऊ आते तो एयरपोर्ट पर उतरते, पूरा प्रोटोकॉल होता, पूरा सरकारी अमला, लाभ लश्कर, बड़े तामझाम, कैटरिंग की व्यवस्था वहीं एयरपोर्ट का ही एक केटरर करता था। उन दिनों वहां लखनऊ में अटल जी की एक विजिट पर केटरर का बिल बन जाता था 1 से 1.5 लाख रुपए का। कांग्रेस के जमाने में जब सोनिया और राहुल आते या पीएम आते तो ये बनता 10 लाख रुपए का। मोदी जब से पीएम बने 4 या 5 बार कश्मीर दौरा कर आए। जम्मू, श्रीनगर, कटरा और लेह लद्दाख आते जाते रहते हैं। एक बार जम्मू उतरे थे, केटरर का बिल बना 3500 रुपए, वो भी सीआईएसएफ और एयर इंडिया ने पे किया क्योंकि उनके स्टाफ के लिए चाय नाश्ता आया था कैंटीन से। मोदी जी जब भी ऐसी किसी विजिट पर जाते हैं तो ट्रांजिट में चाय अपने पैसे से पीते हैं। उनके साथ उनके अमले में जो लोग होते हैं वो भी चाय नाश्ता अपने पैसों से करते हैं। इसके बदले नियम अनुसार उन्हें ऑन ड्यूटी ट्रैवल का TADA मिलता है। भारती जी बताती हैं कि CISF में 22 साल नौकरी करने के दौरान पीएम के विदेश दौरों की तैयारियों को उन्होंने खुद देखा है। पीएम का जहाज जब लोड होता विदेश दौरों के लिए तो उस पे क्या क्या लादा जाता वो पूरा खोल कर लिखने लायक नहीं। प्राइवेट न्यूज चैनल्स, पत्रकारों की फौज जाती पीएम के साथ, न जाने क्या क्या ऐश अय्याशियां होती। अब सिर्फ दूरदर्शन के 3 या 4 आदमी जाते हैं। पीएम के दौरों में दारू की नदियां नहीं बहती, सभी कर्मचारी अपने ट्रैवलिंग अलाउंस में ही खर्चा करते हैं। अब आप सोच लीजिए ऐसे माहौल में मुफ्त खोरों और देश को लूटने वालों के अच्छे दिन कैसे आएंगे। कुछ बातों पर तो सचमुच गर्व करने का मन करता है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने ट्विटर पर मात्र 13 लोगों को फॉलो करते हैं, उनमें से एक है नरेंद्र मोदी। अमेरिका से एकमात्र 3 देश हॉटलाइन पर ट्रंप से सीधे बात कर सकते हैं, उनमें से एक है भारत। रूस के पुतिन से मात्र 2 देश अमेरिका और भारत हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं, जबकि अन्य देशों को ट्रंप और पुतिन से बात करने के लिए 10 दिन पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है। और ये सब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। आप स्वयं भारत की बढ़ती हैसियत का अंदाजा लगाइए। जय हिंद दोस्तों।